हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हर चीज़ बेस्ट प्राइस पे। आज हम आपके लिए बहुत स्पेशल एक वीडियो लेकर आए हैं आपकी खास डिमांड पर कि आपका जो बाइक का इंश्योरेंस या कार का इंश्योरेंस रहता है उसमें सभी लोगों को एक डाउट रहता है कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनरल लाइफ में हम फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस को फुल इंश्योरेंस भी कह देते हैं और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लाइबिलिटी ओनली इंश्योरेंस भी कह देते हैं। देखिए, फुल इंश्योरेंस कह लीजिए, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कह लीजिए या फिर पैकेज पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी भी इनका नाम रहता है, और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को हम लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी भी कह लेते हैं। तो देखिए, इस सभी इंश्योरेंस को से जुड़े हुए हमारे मन में बहुत सारे सवाल हमेशा ही रहते हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में क्या क्या कवर रहेगा, क्या क्या कवर नहीं रहेगा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या कवर रहता है और क्या कवर नहीं रहता है, उसके बाद हमारा प्रीमियम फर्स्ट पार्टी में कितना रहेगा, हमारा प्रीमियम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में कितना रहेगा, अगर डिस्काउंट अवेलेबल है तो कितना डिस्काउंट तक हमें फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस फुल इंश्योरेंस में मिल पाएगा या फिर कितना डिस्काउंट हमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में मिल पाएगा। और देखिए, सबसे ज़रूरी सवाल कि पुलिस पर्सन हमें क्यों पकड़ते हैं, किस चीज़ के इंश्योरेंस के बारे में वो हमसे पूछताछ करते हैं, कौन से इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट हमें अपने बाइक के या कार के उन्हें दिखाने बहुत ज़रूरी हैं, या फिर कौन से इंश्योरेंस बिना खरीदे ही हमारा काम पुलिस पर्सन से चल सकता है। उसके बाद आपका जो इंश्योरेंस आप खरीद रहे हैं वो असली है या फेक है, उसकी जेन्युइननेस के बारे में भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो प्लीज़ इन सभी क्वेश्चंस के रिप्लाई के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चलेंगे कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या है और इसमें क्या क्या कवर रहता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, फुल इंश्योरेंस या फिर पैकेज पॉलिसी कहते हैं या कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस इसको कह देते हैं, तो ये फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में सबसे ज़रूरी चीज़ जो कवर रहती है वो है हमारी खुद की गाड़ी। वो एक टू व्हीलर, स्कूटर, बाइक भी हो सकता है, ऑटो रिक्शा भी हो सकता है, एक कार भी हो सकती है जो हम अपने प्राइवेट यूज़ के लिए चलाते हैं, एक कार हो सकती है जिसमें पैसेंजर को कैरी किया जाता है जिसे हम टैक्सी या कैब भी कह देते हैं। उसके अलावा और भी अन्य गाड़ी हम देख सकते हैं, जैसे कि एक ट्रक है जिसमें हम बहुत सारे गुड्स को कैरी करके लेके जाते हैं, इसलिए उसे गुड्स कैरिंग व्हीकल भी कह देते हैं। इसके बाद अगर बड़ी गाड़ी पर चलें तो एक स्कूल बस भी हो सकती है या अन्य बस जो कि पैसेंजर्स को कैरी करती है। तो फ्रेंड्स, इन सभी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में हमारी जो गाड़ी की वैल्यू कुछ ना कुछ निर्धारित की जाती है, यह वैल्यू हर साल चेंज होती है। तो देखिए, इस वैल्यू को हम कह देते हैं इंश्योरेंस टर्म्स में IDV। IDV का फुल फॉर्म रहता है दोस्तों, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। तो देखिए, मान लीजिए आज मैंने अपनी एक नई कार खरीदी है जिसका एक्स शोरूम प्राइस 5 लाख रुपए है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्स शोरूम प्राइस के बाद हमें बहुत सारे चार्जेस और भी पे करने पड़ते हैं शोरूम में, जैसे कि रोड चार्जेस होता है। रोड चार्जेस जो कि है सभी राज्य का अलग अलग रहता है, सभी स्टेट्स का अलग अलग निर्धारित होता है। उसके अलावा हमें इंश्योरेंस के चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं, फिर RTO में रजिस्ट्रेशन चार्जेस का भी भुगतान करना पड़ता है। तो देखिए, हमारा ऑन रोड प्राइस गाड़ी का जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है एज़ कंपेरिजन टू एक्स शोरूम प्राइस। तो हमेशा हमारी जो इंश्योरेंस है वो केवल एक्स शोरूम प्राइस पर ही निर्धारित होती है। तो चलते हैं अब कि हमारी IDV कैसे निर्धारित की जाती है। तो देखिए, अगर आज मैंने एक गाड़ी आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि 5 लाख रुपए की खरीदी है एक्स शोरूम प्राइस बिल अमाउंट के हिसाब से, तो देखिए कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसमें उस केस में पहले ही साल आपका 5% डिडक्ट करके ही IDV निर्धारित की जाती है। तो देखिए, 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस में अगर हम 5% कैलकुलेट करें तो ये आएगा 25,000 रुपये। तो देखिए, पहले ही मिनट जैसे आप नई गाड़ी का इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, आपका इनवॉइस जो बिल है उसमें एक्स शोरूम प्राइस 5 लाख रुपए मेंशन किया गया है, फिर भी उसमें 25,000 रुपये काट के आपकी IDV इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, गाड़ी की वैल्यू इंश्योरेंस में 4,75,000 ही मानी जाती है।
475,000 वैल्यू के लिए आपकी वो एक नई गाड़ी कवर हो जाती है। तो चलते हैं अगली सवाल की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर साल आपकी IDV गाड़ी का जो वैल्यू है बदलता रहता है, तो देखिए सभी इंश्योरेंस कंपनी IRDA के रूल के हिसाब से इसे 10% एवरी ईयर डेप्रिशिएट करते हैं। तो देखिए जो वैल्यू आपकी 4,75,000 पहले साल है, तो दूसरे साल के लिए आपको उसमें 10% माइनस करना पड़ेगा, तो लगभग आपके जो है इसमें 47,000 रुपये माइनस हो जाते हैं। अगर हम इसको राउंड फिगर लेकर चलें तो मान लीजिए कि सेकंड ईयर आपका 50,000 अगर डेप्रिशिएट हुआ, तो अगले साल आपकी IDV उसी कार की 4,25,000 रुपये मानी जाएगी। ये हो गया आपका IDV का सेक्शन। तो इसके बाद चलते हैं कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में क्या क्या और कवरेज रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक तो हो गया आपकी गाड़ी की वैल्यू, उसके बाद जो आपका ओनर है उस गाड़ी का, जो भी ओनर है उसके लिए 15 लाख रुपए का एक्सीडेंट डेथ कवर कंपलसरी हर एक गाड़ी के इंश्योरेंस में कंपलसरी रहता है। तो कभी भी किसी भी ओनर की उसी गाड़ी में चलाते समय एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो फैमिली को निर्धारित रूप पर 15 लाख रुपए का भुगतान इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो दोस्तों ये है दूसरा कवर। तीसरे कवर की तरफ चलते हैं, वो है कि हर तरह के जितने भी ओपोजिट पार्टी हैं, मतलब अगर मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ उसके अलावा जो भी पब्लिक मेरे आसपास या तो पैदल चल रही है या अपने स्कूटर पर चल रही है, अपने किसी कार में, किसी गाड़ी में, किसी बस में सवारी के रूप में बैठी है, उन सभी लोगों में से किसी भी व्यक्ति को मेरी गाड़ी के एक्सीडेंट की वजह से किसी भी तरह का नुकसान होता है, कोई भी इंजरी होती है या कोई भी डेथ हो जाती है, तो वह केसेस में उन केसेस को कोर्ट में अटेंड किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ आपको ये बात कि जो भी ओपोजिट पार्टी की इंजरी या डेथ होती है तो कोर्ट उन केसेस में जो भी वैल्यू जजमेंट करेगी वह पूरे की पूरी रकम, कोई भी अपर लिमिट नहीं होगी इसमें, पूरे की पूरी रकम इंश्योरेंस कंपनी उन्हें अदा करेगी। इसे कहते हैं हम थर्ड पार्टी इंजरी या थर्ड पार्टी डेथ का क्लेम। तो कोई भी ऊपरी सीमा इन दोनों केसेस में नहीं रहती है। इसके बाद चलते हैं एक आखिरी कवर की तरफ, वह है थर्ड पार्टी का प्रॉपर्टी डैमेज कवर। तो देखिए दोस्तों, अगर मैंने अपनी कार का बीमा करवाया है उसमें एक ओपोजिट पार्टी का, थर्ड पार्टी का प्रॉपर्टी डैमेज कवर 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख इन बिल्ट कवर रहता है, मतलब कि अगर मैं अपनी कार चलाते समय किसी भी थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी, मतलब कि किसी का स्कूटर, बाइक, कार या किसी की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाता हूं, उन केसेस में भी उनको केवल कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। कोर्ट में जो भी सेटलमेंट जजमेंट की जाएगी 7.5 लाख रुपए तक की राशि इंश्योरेंस कंपनी भुगतान करती है। अगर यही इंश्योरेंस मैंने बाइक की करवाई हो, बाइक या स्कूटर की करवाई हो, तो यही राशि 7.5 लाख रुपए की ना होके 1 लाख रुपए की होती है। तो मतलब 1 लाख रुपए का थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज कवर 2-व्हीलर में रहता है, बाकी सभी गाड़ियों में यही कवर 7.5 लाख रुपए तक का होता है। तो फ्रेंड्स, हमने आज जाना कि फर्स्ट पार्टी में क्या क्या चीज़ें कवर रहती हैं। मैं दोबारा एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। सबसे पहले आपकी गाड़ी की कुछ भी निर्धारित वैल्यू, उसके बाद 15 लाख रुपए का एक्सीडेंट डेथ कवर केवल ओनर को और केवल उसी गाड़ी को ड्राइव करते समय, उसके बाद तीसरा कवर रहता है थर्ड पार्टी का कोई भी इंजरी और डेथ कवर, चौथा कवर रहेगा थर्ड पार्टी का प्रॉपर्टी डैमेज कवर। तो फ्रेंड्स, ये 4 टोटल कवर रहेंगे आपकी फर्स्ट पार्टी में। अब चलते हैं थर्ड पार्टी की इंश्योरेंस के कवर की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 4 कवर रहते हैं फर्स्ट पार्टी में, उसी तरह से थर्ड पार्टी में भी 3 तरह के इंश्योरेंस कवरेज आपको मिलते हैं। देखिए, जो सबसे पहले वाला कवर था कि गाड़ी की वैल्यू, वह थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में नहीं होती है। तो गाड़ी की वैल्यू जो आपकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में होती है केवल 0 रुपीज मान्य होती है, मतलब कि आपको किसी भी तरह का एक्सीडेंट का जो डैमेज है आपकी
गाड़ी से संबंधित, वह आप क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से नहीं ले सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा कवर मैंने बताया था 15 लाख रुपए का एक्सीडेंट डेथ कवर, केवल ओनर को, केवल उसी गाड़ी को ड्राइव करते समय, जी हाँ ये कवर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में इंक्लूड रहेगा। उसके बाद दूसरे कवर की तरफ चलते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि किसी भी थर्ड पार्टी की इंजरी और डेथ का कवर अनलिमिटेड आपको उस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में मिलता है। इसके बाद जो तीसरा कवर रहेगा वो है थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज कवर, जो कि टू व्हीलर में 1 लाख रुपए तक रहता है और किसी अन्य गाड़ी में 7.5 लाख रुपए तक रहता है। तो फ्रेंड्स, हमने आज ये डिफरेंस जाना कि फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी के कवरेज में क्या क्या डिफरेंस होगा। तो अगला सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप इस प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, वो सवाल ये है कि प्रीमियम हमारा कितना रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ले चलते हैं एक बहुत ही नामी कंपनी की ऐप की तरफ, कैलकुलेशन ऐप है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि इसमें काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस उपलब्ध हैं, जैसे कि टू व्हीलर, प्राइवेट कार, एक ऑटो रिक्शा और एक फोर व्हीलर पैसेंजर कैरिंग व्हीकल है, जो कि एक टैक्सी या कैब भी कह देते हैं। उसके बाद एक बस के रूप में आपको दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं पैसेंजर कैरिंग व्हीकल एक्सीडिंग 6 पैसेंजर, मतलब कि 6 पैसेंजर से ज़्यादा जितनी भी गाड़ियां हैं, वो कैब हो, टैक्सी हो, स्कूल बस हो या नॉर्मल बस हो, जिसमें 6 से ज़्यादा सवारियां पैसेंजर्स रहते हैं। उसके बाद एक 3 व्हीलर का आपको पब्लिक या प्राइवेट गुड्स कैरिंग व्हीकल दिखाई दे रहा है, जिसमें कि कोई भी हम सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। आखिरी में आपको एक नज़र आ रहा है ट्रक, गुड्स कैरिंग व्हीकल का ट्रक, 4 व्हीलर, ये पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, जिसमें आप अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट, सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी तरफ। तो चलते हैं सबसे पहले हम 2 व्हीलर के प्रीमियम कैलकुलेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें 2 ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं, एक है पैकेज पॉलिसी और दूसरा है लाइबिलिटी पॉलिसी। तो पैकेज पॉलिसी हम कहकर चलते हैं जनरल टर्म्स में फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, और लाइबिलिटी पॉलिसी को हम कह देते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो फ्रेंड्स, मैं क्लिक करूंगा आपके लिए पैकेज पॉलिसी। इसमें देखिए कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर गाड़ी न्यू है, मतलब अभी शोरूम से खरीदी है, तो आप न्यू सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आपको प्री ओन्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको प्रीमियम चार्ट में बताना चाहता हूं कि आपका जितना भी प्रीमियम है वो केवल और केवल गाड़ी की क्यूबिक कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए, आपको लेस देन 75 cc दिखाई दे रहा है, जैसे कि TVS स्कूटी पेप पुराने मॉडल में आया करती थी, या आज भी TVS XL HD आया करती है। उसके बाद जो दूसरी स्लैब आप देख पा रहे हैं वह है 76 cc से 150 cc। देखिए दोस्तों, जितनी भी बाइक्स हैं आपके आसपास, लगभग 99% केसेस में यही स्लैब में आपको वो गाड़ियां नज़र आएंगी, जैसे कि होंडा एक्टिवा, हीरो होंडा स्प्लेंडर, सुजुकी एक्सेस, बजाज पल्सर 150 cc। तो ये बहुत सारी गाड़ियां हैं जो कि सेकंड नंबर स्लैब में 76 cc से 150 cc के अंदर आती हैं। उसके बाद अगला जो स्लैब है 151 cc से 300 cc, जैसे कि बजाज पल्सर 180 cc, बजाज पल्सर 220 cc, बजाज का एक एवेंजर बाइक आता है 160 cc करके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लैब आई है आपके सामने 301 से लेकर 350 cc। इसमें देखिए दोस्तों, सबसे फेमस बाइक जो रहेगी वह है रॉयल इनफील्ड 346 cc, इस स्लैब के अंडर आती है। दोस्तों अगली स्लैब जो है एक्सीडिंग 350 cc, जिसमें जितनी भी आपको स्पोर्ट्स बाइक या इंपोर्टेड बाइक्स नज़र आती हैं आपके आसपास, वो सारी इस स्लैब में आती हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे कॉमन स्लैब की, जो कि स्कूटर या बाइक हम अपने आसपास ज़्यादा देखते हैं, 76 cc से लेकर 150 cc, जैसे कि होंडा एक्टिवा, हीरो होंडा स्प्लेंडर या बजाज पल्सर 150 cc। तो देखिए, इसके बाद आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए, इसमें कौन सा मॉडल है आपकी बाइक का। जैसे मैं मान लेता हूं कि 2016 मॉडल है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया 2016 मॉडल। इसके बाद देखिए कि एक अगर होंडा एक्टिवा मैंने नई खरीदी है, जिसका एक्स शोरूम प्राइस आज की डेट में 52,000 के आसपास है, तो देखिए पहले ही साल इसको, जैसे कि मैंने आपको बताया 5% डेप्रिशिएट करेंगे, तो आपका IDV नया गाड़ी का 50,000 आता है। और अगर दूसरे साल की बात करेंगे तो 45,000 10% डेप्रिशिएट करके, तो उससे नेक्स्ट ईयर आपका जो IDV आएगा वह है 40,000 या 41,000 के आसपास।
उससे नेक्स्ट ईयर जो कि 2016 मॉडल के लिए होना चाहिए वह है 36,000। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 36,000 आपके लिए ये एंटर किया। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं सबसे जरूरी चीज के पास, वह है कि ओडी डिस्काउंट। ओडी डिस्काउंट देखिए सभी कंपनी अपना अपना तरीके से देती हैं, सभी ऑफिस अलग अलग तरीके से देती हैं। तो मैं आज आपको कुछ ओडी डिस्काउंट के बारे में भी इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूं। फ्रेंड्स देखिए, जितने भी टू व्हीलर्स हैं, जितनी भी बाइक हैं आपके आसपास, स्कूटर हैं, इसमें ओडी परसेंट मैक्सिमम किसी भी कंपनी का जो है 65% तक कोई भी कंपनी आपको ऑफर कर सकती है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस चीज़ को आप अपने नॉलेज में रखिए, इन्फॉर्मेशन में रखिए कि आप किसी भी कंपनी में विजिट कर रहे हैं तो उनको आप बड़े ओपनली भी बोल सकते हैं कि प्लीज़ मुझे आप ओडी डिस्काउंट 65% दे दीजिए। अब चलते हैं अगले स्लैब की तरफ जो है नो क्लेम बोनस परसेंटेज। तो देखिए फ्रेंड्स, नो क्लेम बोनस परसेंटेज क्या है कि अगर आपने पिछले साल कोई भी क्लेम नहीं लिया है तो आप उस नो क्लेम बोनस परसेंटेज के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ 5 या 6 स्लैब्स हैं आपके सामने, 0%, 20%, 25%, 35%, 45%, 50%। तो देखिए मान लीजिए कि अगर आपकी इंश्योरेंस जो पिछले साल की है अभी रनिंग इंश्योरेंस है और उसमें 20% एक नो क्लेम बोनस पहले से ही है तो इस बारी आप अगली स्लैब की तरफ जंप कर जाएंगे। तो इस बारी आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 25% हो जाएगी। इधर फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है पिछले साल का और अभी उसको एक्सपायर हुए को 90 दिन से कम हुए हैं तो भी आप नो क्लेम बोनस के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट स्लैब आपको नो क्लेम बोनस की मिलनी चाहिए, परंतु अगर आपका पिछला इंश्योरेंस 90 दिन से ज़्यादा एक्सपायर हो चुका है तो आपका नो क्लेम बोनस इस साल का 0% हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे, कुछ एड ऑन कवर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, नील डेप्रिसिएशन या रिटर्न टू इनवॉइस, उनके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी हम चलते हैं नॉर्मल पैकेज कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के लिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद आप देख सकते हैं पर्सनल एक्सीडेंट ओनर ड्राइवर जो कि ब्लैंक है इस समय, इसको आप चाहें तो 1 ईयर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि 15 लाख रुपये का एक्सीडेंट कवर आपको मिल जाए। बट अगर आप अपना प्रीमियम कम करना चाहते हैं तो आप इंश्योरेंस कंपनी को कह सकते हैं कि मुझे ये एक्सीडेंट डेथ कवर नहीं चाहिए, तो आप इसको नो सेलेक्ट कर दीजिए। अभी देखिए फ्रेंड्स, इसको कैलकुलेट प्रीमियम करने पर आपका प्रीमियम टोटल प्रीमियम जीएसटी इंक्लूड करके केवल 1077 रुपीज़ आ रहा है। 1077 रुपये में आप 2016 मॉडल का होंडा एक्टिवा का इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक और डिस्काउंट रहता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग इस वीडियो में बताया कि एक थर्ड पार्टी का प्रॉपर्टी डैमेज 1 लाख रुपये का कवर रहता है। इन केस आप अपना प्रीमियम और कम करना चाहते हैं तो आप अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र को कह दीजिए कि मुझे ये थर्ड पार्टी का प्रॉपर्टी डैमेज कवर केवल 6,000 रुपये चाहिए ताकि मुझे और डिस्काउंट मिल सके। अगर आप अभी कैलकुलेट प्रीमियम करें तो आप इधर देख सकते हैं थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज डिस्काउंट एक 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ गया है, जिस कारण अब आपका प्रीमियम केवल 1,018 रुपये रह जाता है जीएसटी मिलाकर। तो देखिए, एक होंडा एक्टिवा 2016 मॉडल, आपकी गाड़ी का वैल्यू 36,000 रुपये है और प्रीमियम केवल और केवल 1,018 रुपये ही बनता है क्योंकि हमने मैक्सिमम डिस्काउंट लिया, मैक्सिमम सही नो क्लेम बोनस डिस्काउंट लिया और एक थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज का भी हमने डिस्काउंट इंक्लूड कर लिया। अब देखिए, जो ये प्रीमियम आपको 1,018 रुपये नज़र आ रहा है, आपको आपके आसपास जितने भी एडवाइज़र्स हैं, एजेंट्स हैं या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर हैं वहाँ पर आपसे इसी एक इंश्योरेंस के 1,800 रुपये या 2,000 रुपये तक डिमांड किए जाते हैं और आप हर साल उसको अदा भी करते हैं। तो प्लीज़ मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र को कहिए कि ओडी डिस्काउंट जो है 65% आपको दिया जाए। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम प्राइवेट कार की तरफ, एक एग्जांपल लेंगे प्राइवेट कार का फटाफट से। देखिए पैकेज पॉलिसी पर चलते हैं और पैकेज पॉलिसी में जाने के बाद हम दोबारा से इसको प्री ओन करने के बाद क्यूबिक कैपेसिटी की स्लैब 3 तरह की नज़र आ रही है। एक है 1000 सीसी से कम, दूसरी है 1000 सीसी से लेकर 1500 सीसी के बीच और तीसरी है एक्सीडिंग 1500 सीसी। तो फ्रेंड्स देखिए, 1000 सीसी के नीचे हमारे पास क्या गाड़ी आती है, मारुति 800 आ जाती है, मारुति ऑल्टो आ जाती है।
उसके बाद सेकंड स्लैब जो 1000 cc से लेकर 1500 cc है, उसके बीच में आपके पास मारुति स्विफ्ट डिज़ायर आ जाएगी, स्विफ्ट आ जाएगी, और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो आपकी इस स्लैब में आएगी। और उसके बाद जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं जैसे कि टोयोटा इनोवा, वो एक्सीडिंग 1500 cc में आएंगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1000 cc से कम वाली गाड़ियां जैसे कि मारुति ऑल्टो। तो देखिए एक बार फिर हम चलते हैं कि अगर ये 2017 मॉडल है और गाड़ी का जो वैल्यू पहले साल अगर 3 लाख रुपये था, तो अब 2 साल डेप्रिशिएट होने के बाद उसका गाड़ी का वैल्यू जो कि 2,40,000 रुपये IDV माना जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जितनी भी कार हैं, जितनी भी कंपनीज की कार हैं, अगर आप उसको प्राइवेट यूज़ के लिए, घर के यूज़ के लिए चलाते हैं, ना कि टैक्सी या कैब के यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ की जितनी भी कंपनीज की गाड़ियाँ हैं उसमें पहले 10 साल तक आपका OD डिस्काउंट परसेंटेज 70% तक आप किसी भी कंपनी से डिमांड कर सकते हैं। तो देखिए कुछ कंपनीज आपको 0% डिस्काउंट देती हैं, 20 देती है, 30 देती है, मैक्सिमम कुछ कंपनीज 50 दे देती हैं। बट अगर आप पूरे कॉन्फिडेंटली किसी भी इंश्योरेंस के दफ्तर में जाकर डिमांड करेंगे कि प्लीज़ मुझे OD परसेंटेज डिस्काउंट 70% ही दीजिए, तो वो डेफिनेटली आपको 70% देंगे। और इसके बाद नो क्लेम बोनस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जितनी भी आपकी एलिजिबिलिटी है केवल उतनी ही आपको मिल सकती है। तो मान लीजिए कि पहले 2 साल आपका कोई क्लेम नहीं रहा है और आपकी इंश्योरेंस दोनों साल से रेगुलर चल रही है, तो इस साल आप थर्ड स्लैब में आ जाएंगे 25% में। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम चलेंगे सीधा कैलकुलेट प्रीमियम के तरफ। तो देखिए पूरा डिस्काउंट लेने के बाद हमारे पास प्रीमियम जो आया है 4,438 रुपीज़। तो 4,438 रुपये में आप अपनी एक किसी भी गाड़ी जिसकी वैल्यू 2,40,000 रुपये रहेगी और मॉडल 2017 मॉडल रहेगा, तो आप अपना 4,438 रुपये प्रीमियम पे करके पूरा फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस आप खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम एक बारी बात करेंगे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की, कि थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस का प्रीमियम आपकी इसी ऑल्टो कार का कितना रहेगा। तो देखिए मैं आपको सीधा इसको कैलकुलेट प्रीमियम पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये 1 ईयर का ऑलरेडी सिलेक्टेड है, 1000 cc से कम है, उसके बाद एक्सीडेंट डेथ कवर हमने नहीं चूज़ किया क्योंकि हमें प्रीमियम कम चाहिए, और थर्ड पार्टी का प्रॉपर्टी डैमेज कवर भी हम 6,000 रुपये सेलेक्ट कर देते हैं ताकि हमारा प्रीमियम एकदम मिनिमम आ जाए। तो फ्रेंड्स देखिए कैलकुलेट प्रीमियम करने पर आपकी ऑल्टो कार का 2,327 रुपये एक प्रीमियम आ रहा है। तो आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से, किसी भी नज़दीकी इंश्योरेंस के दफ्तर से आप जाकर 2,327 रुपये में ये एक ऑल्टो कार का या मिलती जुलती क्यूबिक कैपेसिटी की गाड़ी का आप थर्ड पार्टी का बीमा करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स फटाफट चलेंगे एक 2-व्हीलर की थर्ड पार्टी की इंश्योरेंस की तरफ। वैसे तो मैंने आपके लिए ये एक अलग से वीडियो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की, बाइक इंश्योरेंस की बनाई हुई है, आप चाहें तो अलग से वीडियो मेरे YouTube चैनल हर चीज़ बेस्ट प्राइस पर जाकर और वीडियो सर्च कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको फटाफट इधर एक ये प्रीमियम बता देता हूँ कि 1 ईयर का होंडा एक्टिवा का कितना प्रीमियम थर्ड पार्टी का रहेगा। तो देखिए कैलकुलेट प्रीमियम करने पर केवल, जी हाँ, 828 रुपये आपका होंडा एक्टिवा का प्रीमियम आ रहा है। तो 828 रुपये में आप भले ही आपका बजाज पल्सर 150 cc हो, होंडा एक्टिवा हो, हीरो होंडा स्प्लेंडर हो, सुजुकी एक्सेस हो, या मिलती जुलती दूसरी गाड़ियों का आप बीमा थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस किसी भी नज़दीकी दफ्तर से 828 रुपये में GST मिलाकर इसका आप बीमा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, कि क्या हमें गाड़ी का जब ब्रेक इन इंश्योरेंस होता है, मतलब इंश्योरेंस का बीमा जब एक्सपायर हो गया, तो क्या हमें उसकी इंस्पेक्शन करवाने की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ, किसी भी गाड़ी का थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस करवाते समय अगर आपका पिछला इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है, तो आपको वह इंस्पेक्शन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिससे आपका जो वो 100 रुपया या 200 रुपया आपको इंस्पेक्शन चार्जेस हर साल देना पड़ता है, प्लीज़ आप उसको सेव कर सकते हैं। किसी भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए, किसी भी गाड़ी के लिए इंस्पेक्शन नहीं करवाने की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगर आप पैकेज पॉलिसी या कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी या फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जिसे हम कह देते हैं, अगर आप वह खरीद रहे हैं
और अगर आपका पिछला इंश्योरेंस एक्सपायर है तो प्लीज़ आप नज़दीकी शाखा में जाकर अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन करवा लीजिए, और अगर वह लोग आपसे 100 रुपये या 200 रुपये डिमांड करते हैं तो आप किसी भी ऑफिस के ब्रांच मैनेजर के केबिन में जाकर यह कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि सर मैं आपके दफ्तर में आया हूँ, आपका कोई भी एम्प्लॉय मेरी गाड़ी का इंस्पेक्शन कर सकता है और प्लीज़ आप इस चार्जेस को वेव ऑफ कर दीजिए। तो डेफिनेटली वो ब्रांच मैनेजर आपकी इस बात को ओबलाइज करेगा और आपके वो 200 रुपये भी बच सकते हैं। तो चलते हैं, अब आपने जैसे जाना कि प्रीमियम कितना है, डिस्काउंट कितना है, चलते हैं कुछ और सवाल की तरफ, जैसे कि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, देखिए अभी स्क्रीन पर अभी आएगा कि आपका पुलिस पर्सन आपको क्यों रोकता है इंश्योरेंस के लिए। तो फ्रेंड्स मैं बहुत क्लियर बताना चाहता हूं कि पुलिस वालों को आपसे केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही चाहिए होता है, ना कि उसको पैकेज पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, उसकी आवश्यकता पुलिस पर्सन को कभी भी नहीं पड़ती है। तो आप अपनी गाड़ी का अगर केवल थर्ड पार्टी का बीमा करवा लेते हैं उतना ही आपके पुलिस पर्सन के लिए और एज पर मोटर व्हीकल एक्ट आपकी गाड़ी चलाने के लिए आपको काफ़ी रहेगा। पैकेज पॉलिसी अगर आप करवाते हैं तो उसमें आपकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट डैमेज कवर हो जाता है। इसके बाद अगला सवाल कि देखिए मैंने एक एजेंट को पैसे दिए, ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया, अभी उसने मुझे अगले दिन इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे मेल पर भेज दी है, क्या मेरी वो पॉलिसी ओरिजिनल है, क्या मेरी पॉलिसी वो पुलिस पर्सन को एक्सेप्ट होगी, क्या क्लेम के टाइम मुझे कुछ प्रॉब्लम तो ना आ जाए क्योंकि मैंने तो पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए हैं, जिसको ट्रांसफ़र किए हैं मैं कभी उससे मिला भी नहीं हूँ। तो अभी इन सारे सवालों में क्या रहता है, हमेशा ही डाउट रहता है कि कहीं जो मैंने पैसा दिया क्या उसकी सही पॉलिसी मुझे मिली या नहीं मिली। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस टाइम स्क्रीन पर एक स्क्वेयर बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का, इसे कहते हैं QR कोड। ये QR कोड हर एक इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी के पेपर के ऊपर रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर QR कोड स्कैनर एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और जैसे ही आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, जहां भी आप पैसा दे रहे हैं उधर ही खड़े होकर उनके सामने ही आप अपना ये QR कोड पॉलिसी पेपर पर स्कैन कर लीजिए। जैसे ही आप स्कैन करेंगे आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके QR कोड स्कैनर पर वहीं ऑन द स्पॉट आपको मिल जाएंगी, जैसे कि आपका नाम आ जाएगा, आपका पॉलिसी नंबर आ जाएगा, ये इंश्योरेंस बीमा आपका कब स्टार्ट हुआ है, कब ख़त्म होगा, आपकी गाड़ी का नंबर आ जाएगा, आपका गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, या फिर आपने कितना पैसा उस एजेंट को दिया, वह भी QR कोड स्कैनर पर तुरंत आपको मिल जाएगा। तो यह एक बहुत अच्छी सुविधा है जिससे आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आपकी इंश्योरेंस का पेपर एकदम असली है और आपने जितना प्रीमियम दिया वही QR कोड स्कैनर पर आ रहा है, जिससे आपका एक्स्ट्रा पैसा वेस्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि इस पूरी वीडियो में आपको सही जानकारी मिली होगी, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का डिफरेंस पता चला होगा, क्या प्रीमियम रेट्स रहेंगे, क्या डिस्काउंट रहता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। आपके जो भी सवाल हो, जो भी क्वेश्चंस हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए, हम उसका जवाब ज़रूर सही तरीके से सही रूप से देंगे। कोई भी एक ऐसा इंश्योरेंस के बारे में कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी लिखकर भेजिए, ताकि एक नई वीडियो हम स्पेशली उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको बनाकर दे सकें। प्लीज़ आप हमारे इस YouTube चैनल हर चीज़ बेस्ट प्राइस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इन सभी वीडियोस को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके भी पैसे बच सकें, वह भी सही इन्फॉर्मेशन उनको ये मिल सके। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स मोटर इंश्योरेंस जो है एकदम कंपलसरी है, हर घर में दो दो तीन तीन गाड़ियां रहती हैं, सभी को इंश्योरेंस की आवश्यकता रहती है, बट सही इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करेंगे तो उनको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ताकि उनके पैसे भी बच सके और उनको सही चीज़ भी मिल सके। और प्लीज़ आप हमारे इस YouTube चैनल के बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि जितनी भी नई वीडियोज़ हैं वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ सकें।